ये सुबह की भस्म आरती और दर्शन करके हम उज्जैन रेलवे स्टेशन से चल पड़े हैं अभी ओमकारेश्वर की ओर। ये हम इंदौर पहुंच चुके हैं। इंदौर से बाएं ये इंदौर बाईपास है जो कि शहर के बाहर निकलता है। हनुमान सड़क एकदम सीधी है, सिर्फ ये बाईपास के लिए एक समझिए हमने कर लिया। ऑलमोस्ट रास्ते पर आगे चलना है, सड़क भी अच्छी है। पूरी जो ये जर्नी है, पूरी जो सफ़र है 140 किलोमीटर की है, और अभी तक तो जो भी सड़क आई है अच्छी सड़क मिली है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है थ्रू आउट 4 लेन। इंदौर बाईपास से आए हम इंदौर मुंबई एक्सप्रेसवे 6 लेन रोड पे, जिस पर कि 17 किलोमीटर हमने सफ़र किया। वहाँ से फिर फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लिया है खांडवा रोड के लिए, जो कि बिजी ट्रैफिक है आज के दिन भी, और 2 लेन सड़क है। और यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 69 किलोमीटर यहाँ से ओंकारेश्वर धाम है। और देखिए आगे आते ये सड़क थोड़ी चौड़ी हुई है। और ये हम नर्मदा नदी को पार कर रहे हैं, और इस नर्मदा नदी को क्रॉस करते ही यहाँ से 14 किलोमीटर ओंकारेश्वर है। ये नर्मदा नदी पार करते हमने बाएं टर्न लिया है, जो कि ओंकारेश्वर धाम को जाता है। नर्मदा तट पे बसा है और ये 12 किलोमीटर का सफर है यहाँ से। वह ये सड़क बहुत ही अच्छी है। पूरे सड़क जो हमने इंदौर से ये खांडवा रोड में लिया है, ये जो हमने बाएं अप टर्न लिया है नर्मदा नदी के बाद से, ये ओंकारेश्वर धाम जाता है, आगे सीधा वो खांडवा निकल जाता है। तो ये खंडवा रोड है, इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। रास्ते में ढाबे हैं, पेट्रोल पंप है, सब चीज़ें हैं, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सड़क भी बहुत ख़राब है। ये जी हम पहुंच गए हैं ईश्वर, अंदर आने का चलता है 30 रुपये का, और ये हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। पार्किंग के 50 रुपये चार्ज है। यहाँ से दो ये बताते हैं, पहले कमलेश्वर हम है, फिर वहाँ से नदी पार करके पैदल पुल से जाना होता है ओंकारेश्वर धाम, और दोनों मिला के धाम पूरा होता है। और अगर आप चाहें तो जैसे हमने बोट किया है, नाव के द्वारा भी आपको वो ओंकारेश्वर डैम और त्रिवेणी का जो संगम है, त्रिवेणी नर्मदा और दी का वो संगम पे भी हम जाएंगे, और आपको रेगुलर आगे फिर बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। ये हमारे साथ पंडित जी हैं, ये कुछ कुछ बताते चलेंगे। यहाँ पे दो मंदिर हैं, ओंकारेश्वर एंड ममलेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो स्वयंभूलिंग है, नेचुरल ज्योतिर्लिंग। राजा मानदाता थे राम के पूर्वज, उनकी तपस्या से भोलेनाथ जी ओंकारेश्वर स्वयंभूलिंग स्वयं प्रकट हुए। इधर पहाड़ी पर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित लिंग है। यहाँ पे दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग बनता ओंकारम ममलेश्वरम। और सामने वाली जो पहाड़ी आपको देख रही है, पूरी ओम के शेप की पहाड़ी है। जैसे हेलीकॉप्टर से ऊपर से आप देखोगे, पूरा पर्वत ओम के आकार का दिखेगा। इसी प्रकार इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा है। और यहाँ की एक विशेषता और है, अभी जिस पहाड़ी पर अपन चल रहे हैं उसको बोलते हैं विष्णुपुरी। सामने अपन ओंकारेश्वर दर्शन करने जाएंगे उसको बोलते हैं शिवपुरी, और इधर वाली पहाड़ी जो है उसको बोलते हैं विष्णुपुरी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। ये सामने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा जी है, अमरकंटक से इसका उद्गम है, गुजरात में समुद्र में जाके मिलती है। पहाड़ी के उधर भी नर्मदा जल है, इधर भी नर्मदा जल है, चारों तरफ में ओंकारेश्वर मंदिर के जल ही जल है। इसी प्रकार इसका नाम ओंकारेश्वर था। और इसे कहते हैं पंडित जी कि यहाँ पर नर्मदा नदी से मैं कुछ पत्थर लेके जाना चाहिए, उसमें हर कण कण में ऐसा बोलते हैं। नर्मदा का एक कंकड़ शंकर के समान माना गया है, उसको नर्मदेश्वर बोलते हैं। यहाँ से आप जो भी कंकड़ पत्थर जो भी ले जाओगे वो पूरे भगवान के स्वरूप है। वो क्या शालिग्राम भगवान होते हैं? शालिग्राम। ये देखिए हमारे ये बता रहे थे हम, ये रहा ये ओम कहाँ से दिखता है पंडित जी? ओम दिख रहा है ना सामने, ये ओम बना हुआ है, ऐसा पर्वत पूरे ओम के आकार। ये बिना हेलीकॉप्टर के होके नहीं दिखेगा, हेलीकॉप्टर उससे ऊपर ऐसे दिखोगे जब देखेगा ऐसे ऐसे नहीं दिखता पूरा पर्वत ओम। और ये सारा किस चीज का है? ये ब्रिज है, इधर विष्णु टेम्पल जाने का रास्ता बना हुआ है। अच्छा, वो विष्णु टेम्पल है मार्केट में जाने का। अच्छा, ये ब्रह्मा जी का मंदिर है।
ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश के लिए सामने महेश। ये हम बोट पर सवार हो गए हैं, पर यहाँ पर ये जो शोर बहुत ज़्यादा है और इस मोटर से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। यही पैदल पुल है जो हमें चलना पड़ता है, पर हम जाएंगे बोट से। ये पूरी है बोलते हैं 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जो ये चल के ओंकारेश्वर मंदिर की ओर जाता है। ये ओंकारेश्वर डैम है जो नर्मदा नदी पे बसा है। ये देखिए जिससे हम लोग चल रहे हैं नर्मदा नदी है, जो उस तरफ से आ रही है वो त्रिवेणी है, और वो जो नदी है वो तावा नदी है। ये तीनों नदी का यहाँ पे संगम है, और पहले संगम से लोग स्नान करते हैं यहाँ पे स्नान करके, और ये डैम है, और फिर दर्शन करने जाते हैं, और ये उनका रेशो डैम। ये साफ नदी है, कहते हैं कि यहाँ पर सब एक साइड नहीं, कहते हैं कि यहाँ पर कण कण में शंकर स्थित हैं, तो यहाँ से पत्थर लेकर जरूर जाएं और उसे अपने पूजन स्थान में रखें और पूजन करें। मंडी बताएं कौन सा बढ़िया रहेगा। ये देखिए हम लोग इसके अंदर पत्थर में, पानी भी बहुत साफ है, लेकिन तुरंत यहाँ पे गहरी हो जाती है। जगहों पर लिखा है कि गहराई 100 फीट के आसपास है। यहाँ से हम पत्थर चुनकर जाएंगे। ये है विष्णु भगवान का विराज स्वरूप। ये पूरी बोटिंग हम कर रहे हैं, अब बोट फिर से ऑन हो गया है तो आवाज क्लियर नहीं आएगी, तो बोट उतरने के बाद बोटिंग के बारे में बताता हूं। तो बोटिंग का यहाँ पे 300 रुपये पर हेड का है। अगर आप सारे पॉइंट्स देखते हैं जिसमें कि संगम पॉइंट, ये विष्णु प्राल रूप और ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर डैम, तो उसमें 10 सवारी होंगी और उसके लिए आपको वेट करना होगा। हमने रिज़र्व किया था 3 लोगों के लिए, तो 2500 रुपये में बात हुई, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो VIP दर्शन का 200 रुपये का टिकट कटता है, उससे हमें बहुत जल्दी ही दर्शन हो गया। और आप आए तो बेझिझक श्री पंडित जी से बाहर में ही, जहाँ पे हमने 30 रुपये टोकन कटा के ओंकारेश्वर धाम में एंट्री किया, वहाँ पर से ही लोग रहते हैं, उनसे ही नाव ले लें और पंडित जी कर लें। ये है ममलेश्वर धाम। ये दोनों जो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर बनकर ही एक ज्योतिर्लिंग होते हैं, और कहते हैं कि दोनों के दर्शन करने के बाद ही यहाँ का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी पूजा किया है, जहाँ पे इनका एक मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। इसके आगे वीडियो बनाना मना है, तो जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक मैं लास्ट वीडियो बना के बंद कर दूँगा।
टेम्परेचर है यहाँ पे 45 डिग्री, अभी कुछ देर पहले 46 था। और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं वापस उज्जैन के लिए, और बस अब यहाँ से निकल के, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, अब कहीं पे होल्ड करके कुछ खाते हैं। जी हम रुके हैं यहाँ पे लंच के लिए, ये बलराज रिट्रीट, बढ़िया प्रॉपर्टी बनाई है इन्होंने। ये जस्ट बलराज फिलिंग स्टेशन है इंडियन ऑयल का, जस्ट उसके बाजू में है। इनका बिवेजेस भी अलग है, एक बारबेक्यू सेक्शन है, कॉर्न एंड मैगी का अलग सेक्शन है, तवा ग्रिल का अलग सेक्शन है, और ये इनका रेस्टोर सेक्शन है, और उधर फिर इनका पार्टी और लॉन का सेक्शन है। उज्जैन से ओमकारेश्वर जो है अप्रॉक्सीमेटली 145 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है, जो कि 3.5 से 4 घंटे में हम ट्रैवल करते हैं। हम लोग सुबह 7 बजे उज्जैन से निकले थे और संध्या 5:30 तक हम उज्जैन में काल भैरव मंदिर वापस पहुंच गए थे।